ठंड के मौसम में जानवर भी धूप की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं, और इसी बीच मथुरा के गोवर्धन में लोगों को एक अजगर नजर आया है। देखिए इस रिपोर्ट में। भाई साहब कोई 10-12 यहाँ पे अजगर बहुत बहुत तगड़े हैं यहाँ पे। हाँ जी अजगर यहाँ पे बैठा हुआ है वो। ठंड के मौसम में धूप सभी को प्यारी लगती है, इंसानों के साथ जानवरों को भी धूप की जरूरत होती है। यही कारण है कि मथुरा के विकास खंड गोवर्धन के माधवी कुंड फार्म में जंगली जानवर कई बार धूप का आनंद लेते दिख जाते हैं। ऐसा ही एक मामला माधुरी कुंड फार्म के खेतों पर देखने को मिला है। यहाँ अचानक एक विशालकाय अजगर निकल आया, जिसके बाद खेतों पर काम कर रहे किसान और पशुओं को चारा खिला रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। कितना बड़ा अजगर है भाई साहब? कोई 10-12 यहाँ पे अजगर बहुत बहुत तगड़े हैं यहाँ पे। तो अभी क्या चला रहा है? बाहर निकल के बैठा हुआ है। धूप लेने निकलते हैं, इस टाइम पे धूप निकलेगी जब ही निकले। अच्छा, सर्दियाँ होती हैं जब कोहरा पड़ता है तो अंदर रहते हैं ये। तो इनसे डर नहीं है कोई बकरी वगैरह खाने का? अरे ये खा जाए भैया, लपेटा लेके डील जाए पेट में। तो इसकी सूचना कभी कोई वन विभाग के अधिकारियों को नहीं दी गई है? ना दी अभी तक कोई को। कुछ सूचना नहीं दी है। बैठा हुआ है वो। इतना बड़ा कभी देखा आपने? नहीं कभी नहीं देखा, पहली बार देखा है। क्या लगता है ज्यादा बड़ा है? बहुत बड़ा था यहाँ पे। तो इस तरीके का जगह जब फार्म निकलते रहते हैं खेतों में? हाँ निकलते रहते, नहर पे निकलते रहते। तो इसकी सूचना वन विभाग को नहीं दी जाती है? नहीं सूचना दी जाती, कभी दी होगी सूचना? वन विभाग को सूचना दी जाती है, पर कभी आते हैं तो दुब जाते हैं। अच्छा, किसी का मतलब को नुकसान तो नहीं पहुंचाते? नहीं। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ जंगलों में करीब 10 से 12 अजगर रहते हैं, जो कि सर्दियों के मौसम में अंदर रहते हैं और धूप निकलते ही बाहर धूप का आनंद लेने आ जाते हैं, जिनसे पशुओं के खाने का डर भी रहता है। बता दें कि इसकी सूचना वन विभाग को दी गई है। अजगर शाम ढलते ही छिप जाते हैं, लेकिन फिर धूप निकलने पर बाहर आ जाते हैं। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए मथुरा से अमित भार्गव की रिपोर्ट।